हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप लोगों से रूफ़ुस, जो एक बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएटर है, इसके एरर के बारे में। जब आप अपने पेन ड्राइव को रूफ़ुस की मदद से बूटेबल बनाने जाते हैं तो आप लोगों को कुछ ऐसे टाइप का एरर शो होता है, ठीक है। तो मैं आज के इस वीडियो में इसी के बारे में आप लोगों से बात करूंगा और आप लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी आप लोग मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन देख पा रहे होंगे और अभी आप लोगों को दिखाता हूं कि क्या एरर है। इसलिए मैं अपने एक पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने की कोशिश करता हूं रूफ़ुस की मदद से। तो ये देख सकते हैं, मैंने रूफ़ुस डाउनलोड करके रखा है और अभी मैं उसको बूटेबल बनाने के लिए ओपन करता हूं। तो ये देखिए, ओपन हो गया। ये देखिए, ये मेरा 2GB का पेन ड्राइव है और अभी मैं इसको बूटेबल बनाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले ISO सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये मेरा ISO है, तो इसको सिलेक्ट कर लिया है मैंने। और अभी ये देखिए, मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो अभी ओके पर क्लिक कर दिया और देखिए थोड़ा टाइम ले रहा है। ये देखिए, एरर आ गया। तो ये बेसिकली इस टाइप का एरर आता है और सिर्फ यही नहीं, बहुत टाइप का एरर आता है, वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैं एक बार और कोशिश करता हूँ और ये शुरू हो गया। तो थोड़ा टाइम लग रहा है, अभी देखते हैं एरर आता है। तो ये देखिए, ये फिर से एरर आ गया, इस बार दूसरे टाइप का एरर आ रहा है। तो मैं जितनी बार कोशिश करूंगा अलग अलग एरर आ रहा है। अभी बात कर लेते हैं कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने पेन ड्राइव को चेंज करके देखिए, क्योंकि जो चिप क्वालिटी का पेन ड्राइव होता है उसमें जो स्टोरेज क्वालिटी होता है वो बहुत खराब होता है, इसलिए आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करने को देखने को मिलता है। और अगर इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, ठीक है, तो आप दूसरे केस में अपना जो ISO है उसको चेंज करके देखिए, क्योंकि आप अगर इंटरनेट से कोई ISO डाउनलोड करते हैं और उसमें कोई फाइल अगर मिसिंग होता है तो ऐसे में भी आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। और इन दोनों चीज़ों से अगर आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो अगर आप विंडोज़ को बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यूज़ कीजिए विंटू फ्लैश सॉफ्टवेयर को, ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। और साथ ही में अगर आप लिनक्स को बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करना चाहते हैं तो यूज़ कीजिए वेंटॉय को। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे आप लोगों को विंटू फ्लैश ये जो सॉफ्टवेयर है इसको डाउनलोड करना है और कैसे आप लोगों को इसकी मदद से एक बूटेबल पेन ड्राइव को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले अपने कोई सा भी जो ब्राउज़र है उसको ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आप लोग सर्च कर लीजिए विंटू फ्लैश सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सर्च करके दिखाता हूँ। तो आप लोग टाइप कर लीजिए सर्च बार में यहाँ पर विंटू फ्लैश को। तो ये देख सकता है पहले नंबर पर ही ये आ गया है, तो इसको क्लिक कर लीजिए। और ये जो पहले नंबर पर जो ये देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक नहीं करना है, ठीक है। ये होम पेज है, आप लोगों को इस वाले टैब पर क्लिक करना है, इस वाले लिंक पर। ये डाउनलोड का पेज है, तो इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिए सिंपल से। और इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये लोड हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का, इसका लाइट एडिशन है, ये फ्री है, बाकी इसका पेड एडिशन भी है। तो आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग फ्री वाला जो एडिशन है इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो इसको यहाँ पर क्लिक करके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टॉरेंट से भी अगर डाउनलोड करना चाहे तो वो भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मल से डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। तो ये एक 9.1 MB का फाइल है, तो जल्दी ही डाउनलोड हो जाएगा। और मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, इसलिए मैं इसको पॉज कर देता हूँ और कैंसिल कर देता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसको कैसे काम में लिया जाता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इसको मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है अपने कंप्यूटर पे। तो आप लोग पहले अपने कंप्यूटर में इसको इजीली इंस्टॉल कर लीजिए और इसको इंस्टॉल करने के बाद बाकी का प्रोसेस मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो इसको पहले रन एस एडमिनिस्टर कर लीजिए, और आप लोग रन एस एडमिनिस्टर करना ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आप जब काम करेंगे तब अच्छा होगा, इसके लिए इसको रन एस एडमिनिस्टर कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विंडोज के लिए बूटेबल पेन ड्राइव के लिए एक ऑप्शन है और यहाँ पर मल्टी USB ड्राइव क्रिएट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो मैं विंडोज का बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करूँगा और उसके बाद ये टैब देख सकते हैं आप। तो इसके बाद इसको नेक्स्ट कर लीजिए, और इसको नेक्स्ट करने के बाद ये जो ऊपर का जो ऑप्शन है इसको नहीं सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास CD वगैरह है तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए, और या फिर नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, ये ISO या फिर
अलग आपका बूटेबल है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और इसको नेक्स्ट कर दीजिए। तो इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ अभी, और इसको नेक्स्ट कर दिया। और अभी ये जो देख सकता है जो ISO है वो आपको सिलेक्ट करना है, और पिन ड्राइव ये डिटेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये ISO आप सिलेक्ट कर लीजिए, मैं ये ISO सिलेक्ट करता हूँ। और ये ISO सिलेक्ट करने के बाद इसको ओपन पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए सिलेक्ट हो गया, अभी इसको नेक्स्ट कर लीजिए। और नेक्स्ट करने के बाद फिर से इसको नेक्स्ट कर लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो इसको नेक्स्ट कर लीजिए फिर से। और ये देखिए इस जो, एक मिनट रुकिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो इसको क्लोज कर दिया, और ये देख सकते हैं ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो ये देखिए जो प्रोसेस था ये स्टार्ट हो चुका है। और एक बात बता दूँ, ये होने में टाइम लेता है, बहुत ही टाइम लेता है, मतलब लगभग 20 मिनट ले लेता है, 20 से 30 मिनट तक ले लेता है। लेकिन अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा है, आपका पीसी अगर अच्छा है तो जल्दी हो जाएगा। बाकी आप डिपेंड करता है आपके बाकी सब। ये बहुत टाइम ले रहा था इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। और ये देखिए ये लगभग हो ही गया है, तो कुछ देर और वेट करके देखते हैं, ठीक है। ये लगभग कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपके कंप्यूटर में ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों को मतलब होता है तो आप लोग इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आप लिनक्स का बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करना चाहते हैं तो आप विंटॉय को यूज़ में ले सकते हैं। और विंडोज़ के लिए ये एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। ये मैंने बहुत बार इसको इस्तेमाल किया है और बहुत आसान भी रहता है इसको इस्तेमाल करना, और ज़्यादा कुछ एरर वगैरह भी नहीं आता है। तो देख सकते हैं ये लगभग कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है, या फिर ऑल डन लिख कर भी आ गया है। तो आपका जो पिन ड्राइव है वो सक्सेसफुली बूटेबल बन चुका है। तो पहले मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, और अभी मैं आप लोगों को बाकी का चीज़ें दिखाता हूँ। तो इसको एग्जिट कर लेता हूँ, और इसको नेक्स्ट टाइम कर दीजिए यहाँ से। और अभी दिखाता हूँ कि मेरा जो पिन ड्राइव है ये बूटेबल हुआ या नहीं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है स्टोरेज आ गया है, तो ये सक्सेसफुली बूटेबल हो गया है। तो ये देख सकते हैं आप, ये सक्सेसफुली बूटेबल हो गया है। तो अभी आप लोग इस पेन ड्राइव को बूट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर।